हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयुष सोलंकी है और आज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बात करने वाला हूँ लेटेस्ट टॉपिक यूपी कैडेट की काउंसलिंग, जिसका रिजल्ट 31 अगस्त को रिलीज हुआ है और इसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है 3 सितंबर से। तो फर्स्टली हमें करना क्या है, मैं ये बताता हूँ कि फर्स्टली हमें अपने आप को रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप क्वालिफाई हैं फॉर काउंसलिंग तो 3 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। 3 तारीख को आपको वहाँ पर सिक्योरिटी फीस जमा करके अपने आप को रजिस्टर करना है और वो स्लिप को डाउनलोड करना है। यूपी कैडेट की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 3 सितंबर से स्टार्ट होकर 6 सितंबर को ख़त्म होगी। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना है, तो चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो है 3 सितंबर से 7 सितंबर। चॉइस फिलिंग आपको करना क्या है, आप जिस भी कोर्स के इच्छुक हो, पहले आपको अपना फ्री सीट भरना है, उसके बाद पेट भरना है, फिर इसके बाद NRI भरना है। अगर आप पेट के इच्छुक हो, NRI के इच्छुक हो तो भरें, नहीं तो आप सिर्फ फ्री पे ही वहाँ पे छोड़ के लॉक कर दें। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो अपने आप लॉक हो जाएगा। चॉइस फिलिंग का जो रिजल्ट है वो 14 तारीख को आ जाएगा। तो आप अपनी ID पासवर्ड डाल के रिजल्ट को चेक कर लीजिए कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है आपके कोर्स के हिसाब से। फिर उसके बाद का स्टेप है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा, जो कि 15 सितंबर से लेके 18 सितंबर के बीच में करना है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पहला 10 की मार्कशीट, 12 की मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट, और उसके बाद जो है इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल। अगर आपका बीच में 1 साल या 2 साल का गैप हो तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा जिसमें ये रीज़न लिखा होगा कि आपने क्यों ड्रॉप किया। उसके बाद जो है कि यूनिवर्सिटी का रोल स्टार्ट होता है, जो कि यूपी कैडेट का एग्ज़ाम इस बार सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी ने कराया है। तो उसका रोल ये होगा कि वो 16 तारीख से लेके 20 तारीख के बीच में आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो चेक करके बता देगी आपके डॉक्यूमेंट ओके हैं या नहीं ओके हैं। अगर बाई द वे आपके कोई भी डॉक्यूमेंट ओके नहीं है तो आपको फिर से उसको अपलोड करना होगा 16 तारीख से 20 तारीख के बीच में। जिसको भी सीट के अलॉटमेंट हो गए हैं उनको अपना सिक्योरिटी फीस जमा करना पड़ेगा सीट को, मतलब सीट लेने के लिए। तो उसकी डेट है 15 सितंबर से लेकर 23 सितंबर के बीच में आपको जो है कि अपनी सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। जब आप सिक्योरिटी फीस जमा कर देंगे, जो भी सिक्योरिटी फीस हो, तो उसके बाद जो है कि एक अलॉटमेंट लेटर आएगा कॉलेज की तरफ से, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसको डाउनलोड करने की डेट है 15 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में आपको उसको डाउनलोड करना होगा। उसको डाउनलोड करने के बाद आपको जाके कॉलेज में एडमिशन की प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा और वहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग, मतलब ऑफलाइन काउंसलिंग का अंदर सेंस कहने का ये है कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो ऑफलाइन वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा और एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसकी डेट है 22 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में आपको कराना पड़ेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप, ये तो हो गई फर्स्ट काउंसलिंग की डिटेल, अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग कराते हैं तो आप सेकेंड काउंसलिंग भी कराइए, थर्ड काउंसलिंग भी कराइए, मॉकअप भी कराइए, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो। और आपने अगर यूपी कैडेट के एग्ज़ाम को काउंसलिंग, यूपी कैडेट एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाई किया है तो आप लास्ट तक काउंसलिंग जरूर कराइए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू यूपी कैडेट काउंसलिंग तो आप कमेंट बॉक्स में आस्क कर सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।